तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं। जल सभी प्राणियों तथा वनस्पतियों के जीवन का आधार है। इसके बिना इस सृष्टि में सब कुछ वीरान हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे देश में सर्वत्र जलम एव जीवनम, अर्थात जल ही जीवन है की लोकोक्ति सुनने को मिलती है। पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति जल से ही हुई है, अतः पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी दिव्य औषधियां कारण रूप से जल में ही विद्यमान है। वेदों का कथन है कि अप्सु अंतः विश्वानि भेषजः, आपो ही उग्राः भेषजः, अर्थात जल के अंदर सभी औषधियां हैं। जल में महान औषधीय गुण है। पृथ्वी पर 70% भाग जल है, जिसका 95% महासागरों के रूप में है और खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। 4% जल पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है। मात्र 1% जल ही भूगर्भ, नदियों और झीलों के रूप में उपलब्ध है। पर्वतराज हिमालय अपनी गोद में गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सिंधु, झेलम, व्यास और ब्रह्मपुत्र आदि नदियां बहाकर भारतवर्ष की धरती को जीवन दायिनी बनाता है। इन नदियों के जल में हिमालय की दिव्य औषधियों का रस अनेक छोटे छोटे झरनों से निकलने वाले नालों के रूप में मिल जाता है। मैदानी भाग में आकर प्रदूषित होने से पूर्व गंगा आदि नदियों का जल गंगोत्री आदि स्थानों में इतना पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन उसको पीने का सौभाग्य प्राप्त कर ले तो संभवतः जीवन में उसे कभी भी कोई औषधि नहीं लेनी पड़ेगी। गोमुख से जो जलधारा निकलती है वह भागीरथी कहलाती है। बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा और केदारनाथ से निकलने वाली जलधारा मंदाकिनी कहलाती है। आगे चलकर ये तीनों धाराएं मिलकर वर्तमान गंगा का रूप ले लेती है। गंगोत्री का जल विश्व का सर्वश्रेष्ठ पवित्रतम जल है, जो आगे कानपुर, वाराणसी, पटना और भागलपुर तक जाते जाते इतना गंदा दिखाई देने लगता है कि मन में विश्वास ही नहीं होता कि क्या यह वही गंगा है जिसे पौराणिक मान्यताओं में ब्रह्मा जी के कमंडल में रहने वाले, शिव जी की जटाओं में क्रीड़ा करने वाले और भगवान विष्णु के चरणों से प्रवाहित होने वाली कहा गया है। क्या यह वही गंगा है जिसमें डुबकी लगाने वाला हर हिंदू यही चाहता है कि उसकी भस्म का अवशेष गंगा में अवश्य प्रवाहित कर दिया जाए। इस पीड़ा को गंगा की प्रत्येक लहर पुकार पुकार कर कह रही है। आर्यावर्त के मेरे प्रिय पुत्रों, सर्वप्रथम मानवीय सृष्टि का प्रकटन जिस हिमालय पर हुआ उसी की हिमाच्छादित चोटियों में मेरा निवास था, किंतु भगीरथ की तपस्या ने मुझे विवश किया कि मैं अपने प्रिय निवास स्थान को छोड़कर शिवालिक की चोटियों से होती हुई हरिद्वार से निकलूं और संपूर्ण आर्यावर्त को अपने अमृतमय जल से सिंचित करते हुए अंततः सागर में मिल जाऊं। मैं उस समय से ही संपूर्ण आर्यावर्त का इतिहास जानती हूँ। मैंने अपने किनारे लाखों योगियों, ऋषि मुनियों और संतों को भ्रमण करते हुए
तथा समाधि लगाते हुए देखा है। मैंने चक्रवर्ती सम्राट भरत को दिग्विजय के उपरांत अश्वमेध यज्ञ करते हुए देखा है। महाभारत का अजय योद्धा भीष्म मेरी ही गोद में खेलते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी मुझे ही पार करके वन में जाना पड़ा था। भारत विजय के पश्चात सम्राट समुद्रगुप्त ने मेरे ही किनारे विश्राम किया था। बुद्ध, कबीर और दयानंद मेरे किनारे अपने ज्ञान की आभा फैलाते रहे हैं। मैंने उन विदेशी आक्रांताओं को भी देखा है जिनकी क्रूरता से भारत वर्ष की यह धरती रक्त रंजित होती रही है। प्रिय पुत्रों, मैंने अपने अमृतमयी जल से इस धरती को इसलिए सींचा है कि तुम्हें अन्न जल की कभी कमी न हो। तुम श्रद्धावश मेरी आरती तो उतार देते हो, मुझे प्रणाम भी कर लेते हो, किंतु अपने नगरों के शौचालयों के मल तथा कारखानों के गंदे कचरे मेरे अंदर प्रवाहित करने में जरा भी संकोच नहीं करते। उस समय तुम्हें यह स्मरण भी नहीं रहता कि तुम मुझे माँ गंगा कहकर संबोधित भी कर चुके हो। तुमने तो मेरी सहचरणी यमुना को भी इतना प्रदूषित कर दिया है कि दिल्ली और आगरा में उसकी दयनीय अवस्था को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वृंदावन में बहने वाली यह वही यमुना है जिसके किनारे गायें चराते हुए लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने कभी पवित्र प्रेम की रास लीला की थी। क्या अपनी माँ के आंचल में मल मूत्र और कूड़ा करकट का उपहार देते समय तुम्हारा हृदय तुम्हें धिक्कारता नहीं है? सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भ्राता योगीवर भर्तृहरि ने गंगा जी के संबंध में कितनी मधुर कल्पना की। गंगा तीरे हिमगिरि शिला बद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यानाभ्यसना विधिना योगनिद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसे यत्र ते निर्विशंका कंडूयन्ते जरठ हरिणा स्वांग मंगे मदीये स्वांग मंगे मदीये स्वांग मंगे मदीये स्वांग मंगे मदीये। न जाने वे दिन कब आएंगे जब मैं गंगा के किनारे हिमालय पर्वत की किसी चट्टान पर पद्मासन लगाकर ध्यान में इस प्रकार डूबा रहूंगा कि हिरणों के द्वारा अपनी सींगों से मेरी पीठ खुजलाए जाने पर भी मेरा ध्यान भंग नहीं होगा। गंगा जल की महत्ता का आंकलन मात्र इसी घटना से हो जाता है कि सिकंदर के गुरु अरस्तु ने भारत से लौटते समय उससे पवित्र गंगा जल मंगवाया था। क्या भारतवासी गंगा को स्वच्छ रखने के प्रति सजगता का परिचय देने का प्रयास करेंगे? अंग्रेजों ने तो टेम्स नदी को शुद्ध करके अपनी दृढ़ता दर्शाई। क्या विश्व प्रसिद्ध गंगा को शुद्ध करने के लिए देश संकल्पित है? गंगा, यमुना आदि नदियों को शुद्ध करने में भले ही अरबों रुपए क्यों न खर्च कर दिए जाए, किंतु ये तब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकती जब तक इनमें नगरों के सीवरेज तथा कल कारखानों की गंदगी को सीधे प्रवाहित कर देने की प्रक्रिया बंद न की जाए। मात्र हरिद्वार से कानपुर के बीच 33 बड़े नालों से करोड़ों लीटर गंदा प्रदूषित जल गंगा जी में प्रतिदिन गिराया जा रहा। वर्तमान समय में
गंगा का जल न तो पीने योग्य रहा, न स्नान करने के और न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त रहा। गंगा जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्रोमियम एवं कैडमियम जैसे विषैले तत्वों के मिले होने से गंगा जी का वह दिव्य जल जो पहले एक औषधि माना जाता था, आज रोग कारक हो गया। इन विषैले पदार्थों के जल में मिल जाने से त्वचा, यकृत तथा फेफड़े से संबंधित रोग होते हैं। देश के 5 प्रांतों से होकर गंगा 2525 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। इसे प्रदूषित करने में 70% योगदान घरेलू सीवेज से निकलने वाले मल का है और 20% विषाक्त औद्योगिक तरल पदार्थों का है। वर्तमान समय में 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले 100 नगरों का मल गंगा में प्रवाहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में शवों को भी गंगा में डाला जाता है। क्या परमात्मा ने हिमालय की दिव्य औषधियों के रस से युक्त गंगा नदी इसलिए प्रवाहित की है कि हम उसमें नगरों के मानवीय मल के गंदे नाले बहाते? वैज्ञानिकों का कथन है कि विश्व में मात्र गंगा ही ऐसी नदी है जिसमें ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। किंतु अत्यधिक प्रदूषण के कारण इन लाभदायक कीटाणुओं की संख्या में बहुत कमी आ गई है। जल को स्वच्छ करने में कछुओं तथा डॉल्फिन जैसी मछलियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गंगा में गिरने वाले नालों की गंदगी ने मछलियों तथा कछुओं की संख्या बहुत कम कर दी है, जिससे गंगा का श्वेत जल अत्यधिक प्रदूषित होने से अब काला दिखाई पड़ता है। गंगा, यमुना, गोमती आदि सभी प्रदूषित नदियों को शुद्ध रखने का एकमात्र समाधान यही है कि नगरों से निकलने वाले शौचालयों के मल एवं औद्योगिक कचरे से भरे नालों को बायोगैस के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाए। नगरों के बाह्य क्षेत्र में चारों दिशाओं में बायोगैस का उत्पादन करके जल को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के पश्चात ही उसे नदियों में प्रवाहित किया जाना चाहिए। बायोगैस से इथेनॉल और मिथेनॉल जैसे तरल ईंधन भी बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। रतनजू, करंज जैसे पौधों तथा गन्ने के सीरे से भी बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। अपने आलस्य, अकर्मण्यता और आर्थिक लोभ के कारण नदियों में गंदे नाले डालकर पहले प्रदूषित करना और पुनः उसे शुद्ध करने के लिए धन बहाना कैसी विवेकहीनता है। मात्र गंगा को शुद्ध करने के लिए सितंबर 2018 तक लगभग 5,332,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी वह पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो पाई है। विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में वह 6ठे स्थान पर है। यदि देश की जनता तथा सरकार दोनों ही पर्यावरण के प्रति पहले से जागरूक होती तो संभवतः गंगा को स्वच्छ करने में इतनी धनराशि खर्च नहीं करनी पड़ती। औद्योगिक संस्थानों के स्वामियों का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वे राष्ट्र एवं मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को समझें और कचरे को शुद्ध किए बिना उसे कभी भी नदियों में प्रवाहित न करें। धरती में बोरिंग करके उसमें आर्सेनिक आदि विषैले पदार्थों से दूषित जल डालने से भूगर्भ स्थित संपूर्ण जल प्रदूषित होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप निर्दोष लोग यकृत, फेफड़े एवं किडनी आदि के भयानक रोगों से ग्रसित होकर अकाल ही मृत्यु के शिकार होते जा रहे हैं। प्रदूषित नदियों के किनारे रहने वाले लोग भी जब कुओं या हैंडपंप से भूगर्भ जल का उपयोग करते हैं तो वे भी कष्टसाध्य रोगों के शिकार बन जाते हैं। घूस लेकर प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले नगरपालिका तथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ साथ वे उद्योगपति भी निश्चित ही अपराधी होते हैं।
जो देश को प्रदूषण की आग में झोंक कर लोगों को असमय ही मृत्यु के गाल में भेज रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा में प्रतिदिन 583 करोड़ लीटर हानिकारक कचरा गिराया जा रहा है। गंगा के किनारे बसे हुए 46 नगरों में जो 84 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, उनमें 31 काम ही नहीं कर रहे हैं। मात्र दिल्ली महानगर में 17 खुले नालों से 323 मिलियन गैलन मल जल यमुना में गिरता है। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह अकर्मण्यता एवं पर्यावरण के प्रति उदासीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? एक ओर जहां गंगा को पतित पावनी एवं मोक्षदायिनी कहा जाता है, तो दूसरी ओर उसमें मूर्तियों का विसर्जन करके विषैले रसायनों से प्रदूषित करने में किसी को भी झिझक नहीं होती। जिस गंगा को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक माना जाता है, उसी गंगा में प्रतिवर्ष 1,15,000 टन प्लास्टिक का कचरा बहाया जाता। चमड़ों के कारखानों से निकले हुए विषैले गंदे नालों को आर्थिक लोभ में बिना शुद्ध किए ही सीधे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। जनमानस की यह कैसी दोहरी मानसिकता है? विशेषज्ञों का कथन है कि विद्युत उत्पादन के लिए बड़े बड़े बांधों से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इस प्रक्रिया में अनेक गांव और नगर जलमग्न तो हो ही जाते हैं, कालांतर में गाद जम जाती है और नदी के प्रवाह की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे जल की स्वच्छता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भागीरथी पर बने हुए एशिया के सबसे बड़े तथा 260 मीटर ऊंचे टिहरी बांध ने विशाल जल राशि का संग्रह तो किया है, किंतु इससे गंगा में जल की मात्रा बहुत कम रह गई है। तीव्र भूकंप की स्थिति में बड़े बड़े बांधों से व्यापक जन धन की हानि की संभावना रहती है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्युत उत्पादन के लिए छोटे छोटे ही बांध बनाना उपयुक्त है। वनों की अंधाधुंध कटाई तथा बाढ़ों से मिट्टी का कटान बढ़ जाता है, फलतः नदियों की सतह में मिट्टी जम जाती है और उन्हें उथला कर देती है। नदियों के उथला होने से बाढ़ का रूप तो भयंकर हो ही जाता है, बड़ी नावों तथा स्टीमरों को चलाना भी कठिन हो जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंध, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा आदि नदियां इस आर्यावर्त की अखंड निधियां हैं। इनके जल से सिंचित होकर इस देश की धरती करोड़ों प्राणियों का पोषण करती है। इनके किनारे वे महान सभ्यताएं विकसित हुई जिनसे सारा संसार हतप्रभ है। हमने अपने संकुचित स्वार्थों तथा अकर्मण्यता के कारण इन्हें गंदे नालों में परिवर्तित करने का जो अपराध किया है, यदि उसका समय रहते प्रायश्चित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होगी। रे मानव, संसार के सभी वृक्षों को काट लेने, सभी नदियों को प्रदूषित कर देने, नदियों, झीलों एवं सागरों की सभी मछलियों को खा लेने तथा पर्वतों को नंगा कर लेने के पश्चात ही क्या तुम्हारे अंदर यह विवेक आएगा कि मात्र धन ही सब कुछ नहीं है? अपनी जिह्वा की तृष्णा की प्यास मिटाने की कामना से तू प्रति वर्ष जिन खरबों प्राणियों की हत्या करता है, उनकी चीखें वातावरण में निरंतर गूंजती रहती हैं और तेरे विनाश की भूमिका तैयार कर रही है। तू धन, मद्य एवं मांस में परम सुख शांति की खोज करते करते विनाश के ज्वालामुखी के मुख पर जा बैठा है। तू तमोगुण की जिस गहरी निद्रा में सो रहा है, वह निद्रा जिस दिन कुटिलता, वैर, अहंकार और हिंसा की प्रचंड दावाग्नि बनकर विश्व युद्ध की ओर तुम्हें ले जाएगी, उस दिन
वर्तमान सभ्यता का इतिहास लिखने वाला भी कोई बचेगा या नहीं, इसके विषय में सोच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, 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 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।